मेरा फर्स्ट व्लॉग जो था कोरिया में, आप लोगों ने यार इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मैं बताऊं क्या खाक प्यार दिया। टोटल 70 व्यूज थे अल्लाह की कसम यार। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन जो हमारा शुरू हुआ है ना, वो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ है। उसकी वजह पता है क्या है कि मुझे सुबह दोस्त का फ़ोन आया, कहता भाई क्या तू व्लॉगिंग स्टार्ट की है, सुबह सुबह निकल कहीं पे बाहर। मैंने कहा चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। देखो आपने वो मुहावरा सुना हुआ है ना कि अन्ने नु की चाहिए दिया दो अखा, वो सानू मिल गया। दोस्त मुझे कहता है, बताता हूँ आपको, तो मेरी गड्डी दे गया, गड्डी ला गया और मैं कितू गड्डी कटा। दोस्त मुझे कहता है भाई ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है बाहर निकलना पड़ेगा व्लॉग बनाने के लिए। बाहर निकलने के लिए आपको फिर थोड़ा सा तैयार होना पड़ता है, ठीक है। अच्छा तो माशाल्लाह हमारा वैसे ही हुआ होता है, ठीक है। गाड़ी का पेट्रोल लगता है, ठीक है। जाना भी है, ये नहीं है कि आसपास बुसान में मैं रहता हूँ तो वो सामने निकलूंगा तो बीच होगा, ऐसा नहीं है बुसान में यार। कितनी दफा आपको मैं समझाऊँ। अच्छा एक और बात, अगर मेरे व्लॉग में कोई चीज़ बुरी लगे तो इग्नोर मारिएगा, क्योंकि मैं रीटेक नहीं लेता, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि बार बार मैं रीटेक लेता रहूँ, ठीक है। आज मुझे सुबह सुबह उस्मान भाई का फोन आया। उस्मान भाई मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इन कोरिया, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि यार भाई निकलो आओ चलते हैं बुसान की आज नाइट देखते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज हम आपको इस व्लॉग में बुसान की नाइट दिखाएंगे, ठीक है। कोशिश मेरी पूरी होगी लेकिन, ठीक है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको, मेरा फर्स्ट व्लॉग जो था कोरिया में, आप लोगों ने यार इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मैं बताऊँ क्या खाक प्यार दिया। टोटल 70 व्यूज थे अल्लाह की कसम यार। मैं गलियां पे रुलना तन के पता मैंने के हालात हो। यहाँ से उस्मान भाई का जो रास्ता है ना मेरे घर से, वो तकरीबन 45 मिनट लगते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये प्लान है कि हम हुंदे बीच जाएं, वहाँ पर आपको बुसान की थोड़ी बहुत नाइट दिखाएंगे और थोड़ी सी रौनकें भी खाएंगे। रौनकें समझ रहे हो ना।스스로 문제를 풀어야 한다 하셨잖아요. 웰컴 지. 예, 우스만 바이 हमारे साथ आ गए हैं। इनको हमने पिक किया है, आप बस ये चेक करो। आज हम आपको बुसान की नाइट दिखाएंगे, ठीक है। बुसान जो है ना वो नाइट में आपको कैसे नजर आएगा, आप ये व्यू चेक करो बस, बाकी बातें छोड़ो। ओए होए, मतलब कि हर दफ़े यहाँ से निकलता हूँ लेकिन जब व्लॉगिंग स्टार्ट किया तब ये मुझे और ज़्यादा प्यारा लगना शुरू हो गया बुसान। वो ऑडी का शोरूम है, वैसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हमारे पास तो आप समझ लें कि मेहरान है। हमारा परचम ये प्यारा परचम। कोशिश होती है हमारी कि फ्री की पार्किंग दो दी जाए, ठीक है। पेड पार्किंग भी मिलती है यहाँ पर लेकिन हम पाकिस्तानी जुगाड़ी। ये मिल गई पार्किंग, उस्मान भाई ने लोकेशन पिन कर ली है और ये साथ इसके बैक साइड पे बीच है। ये जी हुंदे बीच, कोरिया का सबसे लार्जेस्ट बीच जो है वो हुंदे बीच है। ये बुसान में है और जो बुसान है ना वो कोरिया का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। पहले नंबर पे जो है ना वो सियोल आता है। ये है जी हुंदे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, आप कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो
तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। नाल पुलिस की गड्डी भी है, ख्याल रखें। ओए होए होए, चांद जो है ना वो निकला हुआ है और आवाम भी निकली हुई है काफ़ी ज़्यादा। इस टाइम जो है ना वो आवाम जो है ना आगे पीछे हुई हुई है, आवाम जो है ना वो फिरतू फिरतू है। ये बीच वहाँ से सारा स्टार्ट होके ना वो आगे तक जाता है ये बीच सारा। अगर आपने बीच पे आना है ना तो नंगे आना, कपड़े उतार के, हमारी तरह ये फॉर्मल ड्रेसिंग में नहीं आना, ठीक है। नंगे उस तरह मतलब नहीं आप जिस तरह समझ रहे हो, मतलब के कच्चा बनियान पहन के। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये क्रॉसिंग ऐसी है कि जैसे सीबिया क्रॉसिंग जापान गया था ना मैं, तो मुझे वो वाली क्रॉसिंग याद आ गई है, बिजीएस्ट क्रॉसिंग इन हंदे बीच। ये बीच के साथ वाली स्ट्रीट है जिसमें आपको नेकी बदी दोनों चीज़ें मिलेंगी। अगर आपने जन्नत में जाना है जन्नत में जा सकते हैं, दोजख में जाना है दोजख में जा सकते हैं आप। इट्स अप टू यू। उस्मान भाई जो है ना माशाल्लाह ये बुसान के छारे हैं, छारे मीन्स के आप बुसान की ना काफ़ी इनको एक्सपीरियंस है, तो आप मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं कि यहाँ मुझे क्यों लेके आए हैं। यार एक तो आज इनका आज़ादी का दिन था कोरिया का। एक मिनट ठहरो, इसका ख़त्म होने दो ज़रा। ये गली है, ये फूड स्ट्रीट है इनकी मोस्ट फेमस स्ट्रीट बुसान की, ये जो है ये वाली। आइसक्रीम खा लेते हैं, खाना तो माशाल्लाह आपने खाया था, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में करतारपुर है ना पिंडी की, ये इनकी फेमस स्ट्रीट है। अच्छा लेकिन मैं बुसान सियोल भी गया था, म्योंगदंग स्ट्रीट जो थी आपको याद होगा, म्योंगदंग स्ट्रीट का गए हैं ना वहाँ पर, लेकिन मुझे वो वाली ज़्यादा अच्छी स्ट्रीट लगी, उसमें वो बड़ी है, ये थोड़ी सी कंजस्टेड है लेकिन नॉट बैड, ठीक है। जूते भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। अब ये आइसक्रीम है इनकी जो है ना, जैसे स्ट्रीट स्टार्ट होती है ना तो ये इनकी आइसक्रीम बड़ी मजे की, लेकिन इधर बहुत रश लगा हुआ है, आवाम देखें कितनी खड़ी हुई है, तो यहाँ पर मुश्किल ही हमें कुछ मिल सके। फाइनली हमारा नंबर आ गया, तो हम लाइक करेंगे ऑरेंज मिल्क आइसक्रीम कोन एंड कप। कोन मिल्क चाहिए कप में, हम कप में जब स्पीक इंग्लिश अ लिटिल बिट नो प्रॉब्लम। Yes, I want to organic milk ice cream too. I need. Yes. Yes, cup. Yes, two. ये शायद है हनी. Okay. Yes, okay. हनी कप. हम सब नीदा. हमने मिस्टेकन ली, बगैर इसके करवा दी थी, लेकिन कहती है कि कोई मसला नहीं है, आप हमारे भाई हो। वो अलहदा और अब बड़े कप में दे रही है, अब बड़े कप में दे रही है और कहती है हम आपको हनी डाल के देंगे। मैंने कहा खुद ही डाल जाए, हनी डालने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। एक कम सम नहीं था, एक चैनल का फ़र्क था उनमें। ये उस्मान भी टेस्ट करके बताएं फिर, स्पून है मेरे पास। हाँ जी ओरिजिनल शहद हनी। ओए होए होए होए, देखो अगर आपने किसी जगह घूमना हो ना तो अपने साथ एक एक्सपर्ट बंदे को रखें, ठीक है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एक अच्छी प्लेसेस भी विजिट करने को मिलेंगी और अच्छा खाने को भी आपको मिलेगा, ओके। और दूसरा ये रूल है कि खाना नहीं है इसको, बस ऐसे मार्केट में लेके इसको घूमें ताकि लोगों को पता चले कि आप आइसक्रीम खा रहे हो, ठीक है। खाना नहीं है इसको, बस ऐसे ही ना घूमते रहे इसको। ऐह की है चौधरी, सब बनो फिश है, ये फिशी मछली, हाँ एक फिश है खमसम निदा, इसे पूछा हमने, कहती है ये फिश है, असि सब समझ रहे सब, वो साड़ी जिंदगी का लाख लाना इगो ओ आरा सो। ये देखिए आवाम का रश ना, इतने की मिलता पिया खान पी। अच्छा देखो छोटा सा ढाबा है आपके लिए, जैसे पाकिस्तान में छोटा सा ये बड़ा फेमस है, अंडा डाल के और वो ऐसे पता नहीं क्या, ये नहीं पता मुझे, लेकिन तो मज़े की चीज़ लग रही है मुझे, ये चेक करें।
ये बना रही है हनी कॉम आइसक्रीम, वापसी पे ये ट्राई करते हैं। पता नहीं सारे एक जैसी बना रहे हैं, सब जो है ना वो एक जैसे ही बना रहे हैं। आइसक्रीम के साथ हनी डाल दी, लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट है यार। जराबें, टोपियाँ, मोटे, हर चीज़ मिल रही है। मोटा पैनकेक कैसी लग रही है? अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। यार उस्मान भाई बाकी बातें छोड़ो, जिस मकसद के लिए आए थे ना वो हमारा मकसद पूरा नहीं हो रहा। लेट आए भाई। क्या मतलब, कौन सा मकसद था हमारा? मकसद हमारा यही था, हम आप दोजख में जाना चाहते हैं? नो नो, एक फेमस जगह पे था जहाँ ट्रेन और इनके घूमने का वो जो है ना वो 5 के बाद नहीं चलती। हाँ, वो 5 बजे। चले आए आपको ना दुबई का फाउंटेन शो दिखाते हैं, ठीक है? हाँ, छोटा हाँ, सा फाउंटेन शो है वो आपको हम दिखाते हैं। यार वैसे मजे की जगह है, बड़ा म्यूजिक के साथ साथ जो ना ये निकलते हैं पानी ना, फोकस म्यूजिक पे हो और आप ये देखें जैसे हम एडिटिंग करते हैं ना, सेम उसी तरह ही है। के साथ उन्होंने ये फाउंटेन शो बनाया हुआ है, स्पेशल एक बंदा खड़ा हुआ हुआ है कि जो बच्चों को या किसी को आगे जाने से रोक नहीं सकता। साढ़े पाकिस्तान में तो होते ना, यकीन करो कितने अद्धे बच्चे नहा रहे होंगे। है पता नहीं की भेजता पिया, मोटरसाइकिल जा रहे हैं, गड्डी चेहरी भेज, वो चेहरी है पता नहीं क्या। अच्छा ये नहीं है कि इन्होंने बच्चे नहीं अगे जाते, इन्हों के भी बच्चे अगे जाते ना, ठीक है? ये ना समझो कि इन्होंने बच्चे अगे नहीं जाते, हमारे बच्चे तो बहुत आगे तक चले गए। कोई दो बहुत के निकल गए। अच्छा तालियां अप्रिशिएट कर रहे नहीं, सारे अप्रिशिएट कर रहे हो उसको, बहुत अच्छा काम कर रहे हो बाबा चाचा भाई। माजरत चाहता हूँ जो मैंने अपने पाकिस्तान को बदनाम कर रहा था और तप गई है आगे से। अच्छा शो टाइम जो है ना वो ख़त्म हो गया, तो अब ये रोड जो है ना वो पब्लिक के लिए ओपन कर दिया उन्होंने कि आप यहाँ से गुजर सकते हो। अब ऐ जड़ा ना ऐ बहुत बगैर थी। ये है जी बुसान की नाइट, अभी तो रश बहुत कम है, वीकेंड्स पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ मेरा ये थर्ड टाइम है यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, आपको यहाँ पर चलने नहीं होता, इतना ज़्यादा रश होता है यहाँ। ये देखें यार ये मेहनती होते हैं बहुत, कोरियन माई है कोई 80-90 साल एज होगी, गुब्बारे बेच रही है। कोरिया में आपको बहुत कम बच्चे जो है ना वो देखने को मिलेंगे, मतलब कि यहाँ पर ना बर्थ जो रेशो है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है जापान की और कोरिया की। कोरिया में लोग बहुत ज़्यादा होटलिंग करते हैं, मतलब कि अगर आप देखा जाए ना तो आपको हर होटल में आपको कोई ना कोई बंदा लाजमी मिलेगा, इतना रश होता है, इतना रश मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा होटलिंग करते हैं ये सारा। आपको वहाँ से लेके यहाँ तक आपको बीच नज़र आएगा, ठीक है? और फिर यहाँ से आपको ये सारी स्ट्रीट्स नज़र आएंगी, फिर यहाँ छोटी छोटी आगे स्ट्रीट्स जाती रहती हैं। अगर कोई बर्गर है तो ये मॉम्स टच ले लेंगे, हूँ आए हैं तो बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, सर जजाक अल्लाह। ओह हो, One of the best fries and burger. Mom's touch. बस आपने और कहीं नहीं जाना। हेलो हंदे, थैंक यू सो मच उस्मान भाई फॉर द टाइम, आपने टाइम निकाला और बाकी मज़ा आया, ठीक है? थोड़ी सी बुसान की हमने नाइट देखी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।